हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन भामू है। मैं बहरूपरा में रहती हूँ। मैं 8th क्लास से सीएलसी में पढ़ रही हूँ। 8th, 9th, 10th में केवीएम से पढ़ी, 11th में मैं सीएलसी में आ गई। 12th में मेरा स्कोर नीट में कुछ कम रह गया, लेकिन जेई में मैं सेलेक्ट हुई। बोर्ड में मेरे 95% थे। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। बॉस ने काफ़ी मोटिवेट किया, जिसके कारण इस साल मेरे नीट में 660 मार्क्स है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा रेणवा है। मैंने सीएलसी सीकर से तैयारी करी है। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 560 रहा है। तो जो कमियां जो मेरी केमिस्ट्री, फिजिक्स और थोड़ी बहुत बायो में रही थी, वो यहीं आके कंप्लीट हुई थी। थोड़े टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो इससे गुजरने के लिए मेरे को बॉस से मैंने एक बार बात करी, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तू फिर से थोड़ा मतलब काम डाउन हो, कूल डाउन हो। तो फिर उसके बाद मैंने वापस से तैयारी शुरू करी। और एग्ज़ाम के दौरान भी उन्होंने बहुत बार मीटिंग्स करी, तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ इसका। असेंबली के लिए बोलूँ तो बेस्ट पार्ट मेरे लिए असेंबली रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर आप एकदम थक जाते हो। शाम तक आपको वापस जब असेंबली होती है, तो वहाँ पर आप दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो असेंबली मेरे लिए बेस्ट पार्ट रहा है मेरी ड्यूरेशन के दौरान। और फिर से मैं सीएलसी बॉस को और मेरे पेरेंट्स को सबको थैंक्स कहूँगी मेरे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है सिलेक्शन। थैंक यू।